हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सब लोग कहते तो हैं थिंक पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव। अगर फ्रेंड्स हमारे नजरिए को तय करने वाले बहुत से फैक्टर होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम नजरिए के साथ जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर हम अपने आप विकसित करते हैं? हमारा नजरिया किन चीजों से बनता है? माहौल की वजह से आपके जिंदगी का नजरिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम कुछ अपनी खासियतों के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नजरिया बनता है उसे खास तौर से 3E इफेक्ट करती है। ये 3E क्या है, चलिए जानते हैं इन 3E के बारे में। नंबर 1, एनवायरनमेंट, यानी हमारे आसपास का माहौल। नंबर 2, एक्सपीरियंस, कि हमारा अपनी लाइफ के प्रति कैसा एक्सपीरियंस रहा है। नंबर 3, एजुकेशन। एजुकेशन भी हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट करती है। ये हम कह सकते हैं हमारा नजरिया इन 3E के कारण ही बनता है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, एनवायरनमेंट, यानी हमारा माहौल। हमारे एनवायरनमेंट में हमारा घर, हम जहाँ काम करते हैं, हमारा स्कूल, हमारा दफ्तर, हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हमारी धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं, सामाजिक और राजनीतिक माहौल, ये मिलकर हमारे नजरिए को डेवलप करती हैं कि हम उस माहौल में कैसे बनते हैं, निगेटिव सोचने वाले या पॉजिटिव सोचने वाले। ये सब मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक दुकान में जाते हैं, वहाँ पर जो सेल्समैन काम करते हैं, जो दुकानदार होता है, उनका नेचर देखते हैं कि बहुत अच्छा है और आपसे सही तरीके से पेश आ रहा है, तो उसके प्रति हमारा नजरिया अच्छा हो जाएगा। दुकानदार के पास जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि दुकानदार थोड़ा सा रूखा है, वहाँ पर काम करने वाले अच्छे नहीं है, तो हमारा नजरिया उनके प्रति निगेटिव हो जाता है। इसी तरह अगर हम एक घर में जाते हैं और वहाँ देखते हैं लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और वहीं दूसरे के घर में लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, तो इस सब का इफेक्ट, इस माहौल का इफेक्ट उन बच्चों पर बहुत पड़ता है कि वो पॉजिटिव सोचने वाले बनते हैं या निगेटिव सोचने वाले। हमारा राजनीतिक और सामाजिक माहौल भी हमारे नजरिए को तय करता है। अगर एक जगह पर बहुत सारे ईमानदार लोग काम करते हैं और कोई एक बेईमान आ गया तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है, वही अगर एक जगह बहुत सारे बेईमान हो और वहाँ पर एक ईमानदार पर्सन आ जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो हमारा माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो हमारे नजरिए को तय करने में बहुत इफेक्ट डालता है। नंबर 2 होता है एक्सपीरियंस, माने हमारा तजुर्बा। हमारा तजुर्बा कैसा है, अलग अलग लोगों का, अलग अलग लोगों से अलग अलग तजुर्बा होता है। अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे के हिसाब से हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर हमें किसी इंसान के साथ अच्छा अनुभव मिला है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके प्रति हमारा नजरिया अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पर अगर किसी पर्सन के साथ हमारा तजुर्बा गलत रहा है, खराब रहा है, तो उसका उसके प्रति हमारा एक्सपीरियंस भी खराब ही होगा। अनुभव और घटनाएं ही हमारी जिंदगी के संदर्भ पॉइंट बन जाते हैं, हम उनसे नतीजे निकालते हैं और जो हमारे भविष्य के मार्गदर्शक बन जाते हैं। नंबर 3, एजुकेशन, शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। शिक्षा, हम स्कूल में हमारी शिक्षा कैसी है, हमारा अनुभव कैसा है, हमारे शिक्षक कैसे हैं और वो हमें कैसे पढ़ाते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा में हम घर में अपने आसपास के माहौल से क्या क्या सीखते हैं।
इसमें हमारे शिक्षक की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें सिर्फ रोजी रोटी ना देकर हमें जीने का तरीका भी सिखाए। तो दोस्तों, ये तीनों चीजें, नंबर वन हमारा एनवायरनमेंट मतलब माहौल, नंबर टू एक्सपीरियंस हमारा तजुर्बा कैसा है, नंबर थ्री एजुकेशन हमारी शिक्षा, हमारे नजरिए को तय करने वाले मेन फैक्टर होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब करने पर आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।